यू आर नेक्सस और यू आर अगेंस्ट अस। 2010 के दशक में शील्ड से पहले अगर किसी फैक्शन ने WWE में तबाही मचाई थी तो वो थे द नेक्सस। क्या है नेक्सस की कहानी? क्या जॉन सीना के बैकस्टेज पॉलिटिक्स ने नेक्सस को खत्म कर दिया? क्या हुआ था जब अंडरटेकर और नेक्सस सामने सामने आए थे? कैसे बने CM पंक नेक्सस के लीडर? क्यों नहीं हुआ रेसलमेनिया 27 पर द कोर वर्सेस द नेक्सस? और क्या COVID-19 से पहले नेक्सस वापस आने वाले थे? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। फरवरी 2010 पर विंस मैकमैन ने अनाउंस किया कि ECW बंद होगा और उसकी जगह लेगा NXT, जो कि उभरते हुए रेसलर्स के लिए एक कंपटीशन था। जून 1, 2010 को वेड बैरेट NXT जीते और उन्हें मिला टाइटल शॉट, जो वो अब जब चाहे डिमांड कर सकते थे। जून 7, 2010 को सीना वर्सेस पंक मैच में अचानक से NXT के ये रेसलर्स रिंग में आ गए और सीना पर अटैक कर दिया। ये इंटरेस्टिंग डिटेल है कि पंक के मैच में ये अटैक हुआ और कुछ महीनों बाद पंक नेक्सस के लीडर बने। अनफॉर्चुनेटली इसका कभी स्टोरी लाइन में यूज नहीं किया गया। खैर, ये अटैक जबरदस्त था, शॉकिंग था, मगर इस सेगमेंट के बाद डैनियल ब्रायन, जो इस ग्रुप का पार्ट थे, WWE ने सचमुच उन्हें फायर कर दिया, क्योंकि उन्होंने माइक की वायर से कमेंटेटर का गला दबाया था, जो कि PG एरा में एक्सेप्टेबल नहीं था। जो भी हो, ये सेगमेंट यादगार था और कहीं ना कहीं 1990s के NWO की भी याद दिला गया। अगले वीक रॉ पर बैरेट रिंग में आए और कहा कि वो रिंग में आए हैं क्योंकि जनरल मैनेजर ब्रेट हार्ट ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम नेक्सस बताया और कहा कि NXT शो के दौरान WWE मैनेजमेंट के बुरे बर्ताव से वो सब भड़क गए हैं और नेक्सस के सभी मेंबर्स के लिए वो WWE कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। जनरल मैनेजर ब्रेट हार्ट ने आके नेक्सस को फायर कर दिया, मगर शो के एंड में नेक्सस ने ब्रेट हार्ट पर अटैक कर दिया और उनकी कार क्रैश कर दी। इस वक्त नेक्सस के मेंबर्स थे माइकल टार्वर, डैरेन यंग, डेविड ओटुंगा, जस्टिन गैब्रियल, हीथ स्लेटर, स्किप शेफील्ड, जो बाद में रायबैक बने, और वेड बैरेट। फेटल फोर वे पर चैंपियन जॉन सीना फेस्ड शेमस, रैंडी ऑर्टन और एज। नेक्सस ने इस मेन इवेंट में इंटरफियर कर दिया। शेमस ने इसका फायदा उठाते हुए सीना को पिन कर दिया और वर्ल्ड चैंपियन बने, और यही से नेक्सस वर्सेस सीना फ्यूड की सही मायने में शुरुआत हुई। अगले दिन से ब्रेट हार्ट की जगह एनोनिमस रॉ जनरल मैनेजर रॉ पर आने लगा, जिसके मैसेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम माइकल कोल पढ़ के बताते। सीना वर्सेस शेमस मेन इवेंट में फिर से नेक्सस ने इंटरफेयर कर दिया। एंड में तो उन्होंने विंस मैकमैन पर भी अटैक कर दिया। अगले वीक नेक्सस ने WWE लेजेंड्स पर अटैक कर दिया, जिसमें जेरी लॉलर, रिकी स्टीमबोट, अर्न एंडरसन, डीन मलेंको, माइक रोटुंडा और माइकल पीएस हेज शामिल थे। जुलाई 12, 2010 के रॉ पर नेक्सस ने सीना को 6-on-1 हैंडीकैप मैच में हरा दिया। मनी इन द बैंक पर नेक्सस ने सीना वर्सेस शेमस स्टील केज टाइटल मैच में इंटरफेयर कर दिया और शेमस ने अपना टाइटल रिटेन किया। जुलाई 19 के रॉ पर नेक्सस ने अपने अटैक्स जारी रखे और एज और क्रिस जेरिको पर अटैक कर दिया। उसी रात बैरेट ने मार्क हेनरी को हराया। इसके बाद बैरेट और नेक्सस ने सीना से कहा कि सीना उनके साथ जुड़ जाए। सीना ने मना कर दिया और कहा कि वो समर स्लैम पर नेक्सस का सामना करेंगे और उसके लिए उन्होंने कुछ साथी ढूंढ लिए हैं। सीना ने एक एक करके अपनी टीम रिवील की और उनके टीम मेंबर्स थे एज, जॉन मॉरिसन, आर ट्रूथ, द ग्रेट खली, क्रिस जेरिको एंड ब्रेट हार्ट। नेक्स्ट वीक टीम नेक्सस ने टीम रॉक को 7-on-7 एलिमिनेशन टैग मैच में क्लीनली हरा दिया। फिर उन्होंने सीना के टीम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग अपने आप में झगड़ रहे हैं, नेक्सस को क्या हराएंगे। अगले वीक रॉ पर एज वर्सेस वेड बैरेट मैच नो कॉन्टेस्ट रहा, जब नेक्सस के अटैक से एज रिंग से भाग गए। नेक्स्ट वीक खली ने बैरेट को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया, मगर नेक्सस ने खली पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। समरस्लैम 2010 पर नेक्सस ने टीम सीना को फेस किया। टीम सीना में थे सीना, हार्ट,
एज, क्रिस जेरिको, जॉन मॉरिसन, आर ट्रूथ और एक शॉकिंग रिटर्न में डैनियल ब्रायन। यहाँ इनिशियल प्लान था कि नेक्सस जीतेगा और जो मेरे हिसाब से होना भी चाहिए था। अब यहाँ दो वर्जन्स है, एक वर्जन के मुताबिक सीना नेक्सस से नहीं हारना चाहते थे और उन्होंने प्लान्स चेंज करवाए, और दूसरे वर्जन के मुताबिक सीना को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उनका कुछ हाथ नहीं था, मगर विंस मैकमैन ने खुद ही प्लान चेंज कर दिया है ये कह के कि समर स्लैम का एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, तो टीम सीना को ये मैच जीतने देते हैं। अगले दिन रॉ पर नेक्सस के मेंबर्स ने टीम रॉ के मेंबर्स के साथ वन ऑन वन मैचेस रेसल किए। स्टिपुलेशन ये था कि जो भी नेक्सस मेंबर्स हार जाएगा ग्रुप से बाहर किया जाएगा। यहाँ बस डैरन यंग सीना से हार गए और नेक्सस से बाहर किए गए। इसी बीच अगस्त 18, 2010 में हवाई में एक लाइव इवेंट पर स्किप शेफील्ड इंजर हो गए और ऑटोमेटिकली नेक्सस से बाहर हो गए। इसके बाद एक हिस्टोरिक घटना हुई, रॉ के 900th एपिसोड पर नेक्सस और अंडरटेकर आमने सामने आए। यहाँ केन की मदद से नेक्सस ने अंडरटेकर पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जाता है कि WWE रेसलमेनिया 27 का प्लान कर रहा था बैरेट वर्सेस अंडरटेकर मैच का, और ये एक तरह से इस बिल्डअप का फर्स्ट स्टेप होता। उसी रात नेक्सस ने जॉन सीना, एज, क्रिस जेरिको, शेमिस और रैंडी ऑर्टन की टीम को 5-on-5 एलिमिनेशन मैच में हरा दिया। सितंबर 13 के रॉ पर सीना वर्सेस ऑर्टन मैच में नेक्सस फिर से इंटरफियर करके सीना पर अटैक कर दिया और सीना ये मैच हार गए। नाइट ऑफ चैंपियंस पर बैरेट ने अपना गारंटीड चैंपियनशिप शॉट यूज किया और वो 6-pack एलिमिनेशन टाइटल मैच का पार्ट बने, मगर ऑर्टन ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया और मैच जीत के ऑर्टन वर्ल्ड चैंपियन बने। अगले दिन सीना ने बैरेट को कॉल आउट किया और उनसे मैच की डिमांड की। बैरेट ने कहा कि अगर सीना गाउंटलेट मैच में नेक्सस के 4 मेंबर्स को हराएंगे तो बैरेट उन्हें फेस करेंगे। सीना ने ये गाउंटलेट मैच जीता। अगले वीक रॉ पर नेक्सस ने इवान बॉर्न एंड मार्क हेनरी को हराया। उसी रात वेड बैरेट ने वो हिस्टोरिक वर्ड्स कहे, यू आर आइदर नेक्सस और अगेंस्ट अस। हेल इन अ सेल के बाद सीना उनके अगेंस्ट नहीं होंगे और सीना के साथ वो पूरे WWE को टेक डाउन करेंगे। October 1st, 2010 को पहली बार नेक्सस स्मैकडाउन पर नजर आया। थ्रू आउट द नाइट डॉल्फ ज़िगलर, MVP, बिग शो और जॉन सीना पर उन्होंने अटैक किया। 5-on-1 हैंडिकैप मैच में नेक्सस ने बिग शो को हराया और जॉन सीना वर्सेस केन मैच में नेक्सस लंबा चैट भी बने। हेल इन अ सेल पर कंडीशन थी कि अगर सीना हारे तो उन्हें नेक्सस ज्वाइन करना होगा, और सीना जीते क्या नेक्सस के किसी मेंबर ने इंटरफियर कर दिया तो नेक्सस खत्म हो जाएगा। या नेक्सस ने तो नहीं, मगर NXT सीजन 2 के 2 रेसलर्स हस्की हैरिस और माइकल मैकगिलकटी ने इंटरफियर कर दिया। जी हाँ, ब्रे वायट और कर्टिस एक्सेल के पहले वाले नाम, इन दोनों ने इंटरफियर कर दिया और वेड बैरेट ये मैच जीत गए और सीना को नेक्सस ज्वाइन करना पड़ा। अगले दिन रॉ पर नेक्सस का आर्म बैंड पहना के सीना को नेक्सस में शामिल किया गया। उसी रात टैग मैच के बाद सीना ने अपने फेलो नेक्सस मेंबर माइकल टारवर पर अटैक कर दिया। बैरेट ने आके कहा कि अच्छा हुआ, वैसे भी वो टारवर को नेक्सस से निकालना चाहते थे। एक्चुअली टारवर ग्रॉइन इंजुरी से जूझ रहे थे और ये उनको राइट ऑफ करने का तरीका था। बाद में जून 2011 में WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया। रॉ के मिस्ट्री GM ने अनाउंस कर दिया कि सीना अब नेक्सस के मेंबर है तो उन्हें बैरेट से ऑर्डर्स लेने होंगे, नहीं तो वो फायर किए जाएंगे। बैरेट ने सीना से कहा कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के बैटल रॉयल को जीतने में सीना उनकी मदद करे। इस मैच में आखिर में सीना और बैरेट बचे थे और बैरेट ने सीना को अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए कहा। अगले वीक रॉ पर ब्रैगिंग राइट्स के लिए टीम रॉ में शामिल होने के लिए क्वालिफाइंग मैचेस रखे गए। यहाँ मिज वर्सेस सीना के मैच में हस्की हैरिस और माइकल मैकगिलकटी ने इंटरफेयर कर दिया और सीना हार गए। अब तक ये क्लियर नहीं था कि हैरिस और मैकगिलकटी नेक्सस का पार्ट है या नहीं। नेक्स्ट वीक मैच सेट हुआ माइकल मैकगिलकटी एंड हस्की हैरिस वर्सेस सीना और ऑर्टन। बैरेट ने बाद में सीना को काफी नीचा दिखाया और कहा कि सीना असली मर्द नहीं है, और नेक्स्ट वीक अगर सीना अपना टैग मैच हार गए तो हैरिस और माइकल मैकगिलकटी को बैरेट
नेक्सस में ले लेंगे। अगले वीक सीना को जलील करने का सिलसिला जारी रहा और बैरेट ने उन्हें अपने लिए पानी लेके आने के लिए कहा और जैसे ही उन्होंने पानी लाया सीना के मुंह पर फेंक दिया। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ने माइकल मैकबेल कटी और हस्की हैरिस को उस रात हराया, मगर मैच के बाद नेक्सस ने ऑर्टन पर अटैक कर दिया और सीना कुछ नहीं कर पाए। ब्रैगिंग राइट्स पर नेक्सस ने अपने फर्स्ट टाइटल जीते जब डेविड ओटुंगा और जॉन सीना डिफीटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स और ड्रू मैकेंटायर। उसी रात केन वर्सेस अंडरटेकर बेरिड अलाइव मैच में नेक्सस ने अंडरटेकर पर अटैक करके बेरी कर दिया उनको और केन की मदद की। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर रेसलमेनिया 27 पर अंडरटेकर वर्सेस बैरेट मैच होता तो इसके लिए ये फैंटास्टिक बिल्ड हो सकता था। ऑर्टन वर्सेस बैरेट टाइटल मैच में ये स्टिपुलेशन था कि अगर बैरेट नहीं जीते तो सीना फायर किए जाएंगे। यहाँ सीना ने बैरेट पर अटैक करके उन्हें फायर डिस्क्वालिफिकेशन जिताया, वेरी स्मार्ट, जिसकी वजह से ऑर्टन ने टाइटल रिटेन किया। अगले दिन रॉ पर हीथ स्लेटर और जस्टिन गैब्रियल वन द टैग टीम चैंपियनशिप क्योंकि बैरेट ने ओटुंगा और सीना को हारने के लिए कहा। उसी रात बैरेट ने यह भी अनाउंस किया कि हस्की हैरिस और माइकल मैकलकटी अब ऑफिशियली नेक्सस के मेंबर्स हैं। नवंबर 5 के स्मैकडाउन पर डेविड ओटुंगा कुछ नेक्सस मेंबर्स को लेकर स्मैकडाउन गए और एज और डेलरियो के मैच में इंटरफेयर कर दिया, मगर मेन इवेंट में 10 मैन टैग टीम मैच में नेक्सस हार गया। इस इन्वेजन से नाराज बैरेट ने ओटुंगा को कहा कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर जाके एज को हराओ नहीं तो उन्हें नेक्सस से बाहर किया जाएगा। नवंबर 12 के स्मैकडाउन पर ओटुंगा ने एज को केन के इंटरफेरेंस से हराया और अपने नेक्सस का स्पॉट रिटेन किया। नेक्स्ट वीक रॉ पर पाइपर्स पिट में अनाउंस किया गया कि सर्वाइवर सीरीज पर ऑर्टन वर्सेस बैरेट के टाइटल मैच में सीना स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे और अगर बैरेट नहीं जीते तो सीना फायर किए जाएंगे और बैरेट जीत गए तो सीना नेक्सस से आजाद हो जाएंगे। सीना ने कहा कि वो एक फेयर रेफरी बनेंगे। एंड में सीना ने ऑर्टन और बैरेट दोनों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। सर्वाइवर सीरीज पर ऑर्टन ने बैरेट को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया और इसी के साथ सीना स्टोरी लाइन में WWE से फायर किए गए। अगले दिन रॉ पर सीना ने अपना फेयरवेल स्पीच भी दिया, मगर मेन इवेंट में बैरेट वर्सेस ऑर्टन मैच में इंटरफियर करके बैरेट को हराया। अगले हफ्ते रॉ पर सीना एज एन ऑडियंस मेंबर नजर आए और उन्होंने नेक्सस पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर सीना के इंटरफेरेंस से स्लेटर और गैब्रियल अपने टैग टाइटल्स हार गए। नेक्सस मेंबर्स ने बैरेट से मांग की कि ये अटैक्स रोकने के लिए सीना को वापस लाओ नहीं तो वो बैरेट से बगावत कर देंगे। अगले वीक रॉ पर बैरेट ने सीना को रिहायर किया और एक्सचेंज में सीना को TLC पर चेयर्स मैच में फेस करने के लिए राजी भी हुए। दिसंबर 19 पर TLC पे बैरेट वर्सेस सीना चेयर्स मैच हुआ, यहाँ सीना जीत गए। मैच के बाद एक मेमोरेबल सेगमेंट में सीना ने 23 स्टील चेयर्स स्टेज से बैरेट पर गिरा दिए। ये वही वक्त है जब सीना को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि सीना अब सुपर सीना बन गए हैं। आइडियली मेरे हिसाब से भी इस फ्यूड में सीना ने बैरेट को पुट ओवर करना चाहिए था, खैर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक 6 महीने में पहली बार नेक्सस रॉ पर नहीं थे। 2010 के आखिरी रॉ पर सीना ने CM पंक को कॉल आउट कर दिया। नेक्सस ऑफ कोर्स विदाउट पेड बैरेट रिंग में आया। नेक्सस ने कहा कि अब वो नए मैनेजमेंट के अंडर है। नेक्सस ने सीना पर अटैक कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय करके रिंग से जाने लगे। तभी वहां CM पंक आ गए। नेक्सस को देखे बिना वो रिंग में चले गए और वहां रिंग में जो नेक्सस का आर्म बैंड पड़ा था उसे उठाकर उन्होंने पहन लिया। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और वही जेस्चर नेक्सस ने भी दोहराया। इसका मतलब CM पंक नेक्सस के नए लीडर थे। ये जबरदस्त ट्विस्ट था। 2011 के पहले रॉ पर नेक्सस रिंग में आया और वेड बैरेट ने आके CM पंक को कन्फ्रंट करते हुए कहा कि बैरेट नेक्सस के लीडर है, CM पंक नहीं। तभी रॉ जनरल मैनेजर ने नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए स्टील केज मैच अनाउंस किया, किंग शेमिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस वेड बैरेट। ये डिसाइड हुआ कि अगर बैरेट जीते तो नेक्सस के लीडर बने रहेंगे और हारे तो नेक्सस से बाहर किए जाएंगे। इस मैच में CM पंक ने इंटरफियर कर दिया
और वेड बैरेट हार गए और नेक्सस से बाहर हो गए। जनवरी 10 के रॉ पर जस्टिन गैब्रियल को नेक्सस से निकाला गया। बाद में गैब्रियल और स्लेटर ने बैरेट और इज़ियाकल जैक्सन के साथ स्मैकडाउन पर दी कोर ज्वाइन किया। वही हस्की हैरिस, माइकल मैकिलकटी और डेविड ओटुंगा नेक्सस से जुड़े रहे। सीएम पंक के ग्रुप को अब द न्यू नेक्सस कहा जाने लगा। जैन 17 2011 के रॉ पर सीएम पंक वर्सेस सीना मैच में मेसन रायन आ गए और सीना पर अटैक कर दिया और बाद में न्यू नेक्सस ज्वाइन किया। अगले वीक रॉ पर नेक्सस और कोर आमने सामने आ गए। व्हाट अ मोमेंट। कोर ने कहा कि वो रॉयल रंबल में शामिल होंगे, हर कोई अपने लिए लड़ेगा मगर सब मिलके सीएम पंक को एलिमिनेट कर देंगे। सीएम पंक और वेड बैरेट विल फेस ईच अदर लेटर इन द इवनिंग और जो भी हारेगा उसकी टीम रॉयल रंबल से बाहर हो जाएगी। इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी रखे गए जॉन सीना। मेन इवेंट में केओस हुआ और फाइनली दोनों नेक्सस और कोर को रॉयल रंबल में रखा गया। पर्सनली मुझे लगता है कि कोर वर्सेस नेक्सस को एक अच्छे बिल्ड के साथ रेसलमेनिया पर स्पॉट देना चाहिए था। रॉयल रंबल मैच में सीना ने नेक्सस के सभी मेंबर्स को एलिमिनेट किया और नेक्सस और सीना का फ्यूड यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि WWE की निगाहें थी बिग मनी मैच पे, रॉक वर्सेस सीना के बिल्डअप पे। यहाँ सरप्राइजिंगली WWE ने कोर और नेक्सस को आमने सामने नहीं आने दिया। उसी रात न्यू नेक्सस ने रैंडी ऑर्टन के मैच में इंटरफियर किया और ऑर्टन अपना टाइटल हार गए। यही शुरुआत थी पंक और ऑर्टन के फ्यूड की। जनवरी 31 के रॉ पर माइकल मैकिलकटी और हस्की हैरिस ने सैंटिनो मरेला और व्लादिमीर कोज़लोव को वर्ल्ड टैग चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया मगर हार गए। मैच के बाद ऑर्टन रिंग में आए और हस्की हैरिस को पंट दे के इंजर कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर पंक ने एक्सप्लेन किया कि 2008 में जब वो चैंपियन थे तो ऑर्टन की लेगेसी ने उन पर अटैक करके उन्हें इंजर किया था और उन्हें टाइटल विकेट करना पड़ा था। उस चीज का बदला वो ऑर्टन से लेके रहेंगे 2011 में। इसके बाद नेक्सस ने ऑर्टन पर अटैक कर दिया। इस पॉइंट के बाद स्टोरी लाइन पंक वर्सेस ऑर्टन के रेसलमेनिया मैच की स्टोरी बन गई और नेक्सस थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया। अब स्टिपुलेशन ये था कि जैसे जैसे ऑर्टन नेक्सस के एक एक मेंबर को हराते जाएंगे वैसे रेसलमेनिया पर सीएम पंक वर्सेस ऑर्टन मैच में वो रिंग साइड से बैन करते जाएंगे। रेसलमेनिया तक नेक्सस के सभी मेंबर्स को ऑर्टन ने एक एक करके हराया और पंट किक दे के आउट ऑफ एक्शन कर दिया। रेसलमेनिया 27 पर रैंडी ऑर्टन ने पंक को हराया मगर उनको पंट देने में नाकाम रहे। मैकिलकटी, ओटुंगा और रायन अप्रैल 11 के रॉ पर वापस आए और उन्होंने फिर से ऑर्टन को टाइटल शॉट से रोका। अप्रैल 25 को WWE ड्राफ्ट में ऑर्टन स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए। फाइनली एक्सट्रीम रूल्स 2011 में पंक को हराकर ऑर्टन ने नेक्सस के साथ अपना फ्यूड खत्म किया। मई 23 के रॉ पर माइकल मैकिलकटी और डेविड ओटुंगा बिग शो और केन को हराकर टैग चैंपियंस बने। इसके बाद नेक्सस का प्रोमिनेंस कम होता गया। सीएम पंक नेक्सस का आर्म बैंड लगाते रहे मगर वो भी 2011 में उनके हिस्टोरिक पाइप बॉम्ब प्रोमो के साथ हील से फेस बन गए और मेन इवेंट पिक्चर में चले गए और स्लोली नेक्सस से दूर हो गए। ओटुंगा और मैकिलकटी द न्यू नेक्सस के अंडर August 1st 2011 तक रेसल करते रहे और August 22 तक साथ रहे जब वो अपने टैग टाइटल्स कोफी किंगस्टन और इवान बोन से हार गए और इसी के साथ नेक्सस की कहानी खत्म हो गई। बस 14 महीने नेक्सस हमें देखने मिला मगर आज भी हम इस फैक्शन को याद करते हैं। एक तरह से नेक्सस के साथ WWE ने जो गलतियां की वो उन्होंने 2 साल बाद शील्ड के साथ नहीं दोहराई। वैसे नेक्सस से हमें कुछ बड़े स्टार भी मिले जैसे कि हस्की हैरिस जो बाद में ब्रे वायट बने, डैनियल ब्रायन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने और वही स्किप शेफील्ड भी रायबैक बन के टाइटल पिक्चर में रहे। मेरे हिसाब से वेड बैरेट एक बहुत बड़े स्टार हो सकते थे अगर सीना के साथ उनके मैचेस में उन्हें पुट ओवर किया जाता या फिर अंडरटेकर के साथ उनका रूमर्ड रेसलमेनिया 27 मैच होता। कोर और नेक्सस के फ्यूड को भी एक जबरदस्त वेस्टेड अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं देखता हूँ। ये मैच रेसलमेनिया वर्दी एक अच्छे बिल्ड के साथ हो सकता था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीना और ऑर्टन के सामने नेक्सस को क्लीनली पुट ओवर ना करके उनका मोमेंटम ब्रेक किया गया और बैरेट को छोड़ के किसी भी बाकी मेंबर्स के कैरेक्टर्स को भी डेवलप नहीं किया गया। देखिए आप मुझे बताइए, आप ट्राई कीजिए
गूगल सर्च किए बिना क्या आप ओरिजिनल नेक्सस के मेंबर्स के नाम याद कर पाएंगे? शायद नहीं। वैसे रेसलमेनिया 36 से पहले WWE का प्लान था कि नेक्सस को वापस लाए, मगर COVID-19 पैंडेमिक से प्लान्स कैंसिल हो गए। आप मुझे बताइए, क्या आप नेक्सस को फिर से एक बार WWE में देखना चाहेंगे? कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। तो ये थी कहानी नेक्सस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।